इसे धीरे धीरे देखते जाओ। अब लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेते रहो। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लो। अपने अंदर की सारी शक्तियों को पहचानो नितिन। धीरे से आराम से लेट जाओ। नितिन, नहीं रात को कहाँ चला गया? नितिन, कहाँ गया वो? इसे धीरे धीरे देखते जाओ। अब लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लो। अपने अंदर की सारी शक्तियों को पहचानो नितिन। धीरे से आराम से लेट जाओ। माया, तुम सब ये क्या कर रही थी? नहीं नितिन, तुम जैसे सोच रहे हो वैसे बिल्कुल भी नहीं। नितिन, मेरी बात तो सुनो। मिसेस शर्मा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अब ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। जैसे आग के बिना मोमबत्ती नहीं जल सकती ना, वैसे ही मनुष्य बिना आध्यात्मिक जीवन के जी नहीं सकता। आपके पति की कुंडली में जो दोष है उसे सिर्फ मैं ठीक कर सकती और कोई नहीं। माया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैं यहाँ क्लाइंट से फोन पर बात कर रही हूँ और तुम मुझे अपना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए जा रही हो। ऐसे भी क्या आफत आ गई? हाँ, मैंने अलमारी में 3 लाख रुपए कैश रखे थे। कहाँ है वो पैसे? खर्च कर दिए मैंने। क्या मतलब खर्च कर दिए? 3 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती है। सच सच बताओ, कहाँ है पैसे? चिल्लाओ मत। मुझे मेरे ऑफिस के लिए 3 लाख रुपए चाहिए थे तो मैंने ले ली, एजेंट को दिए। और तुम्हें तो पता ही होगा ना कि पूरी दिल्ली में आजकल एस्ट्रोलॉजर माया छाई हुई। तो अब मैं सिर्फ घर से नहीं बल्कि ऑफिस से भी काम करूंगी। मैं यहाँ दिन रात काम करके पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ और तुम मेरी मेहनत की कमाई को अपने इस घटिया काम में उड़ा रही हो। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर होने के नाते ना तुम्हें अपना दिमाग चेक करना चाहिए। और हाँ, आज के बाद अगर तुमने मेरे काम को घटिया बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? तुम्हारी इन हरकतों को देखकर मुझे तो लगता है कि इलाज की जरूरत मुझे नहीं तुम्हें है। लोगों को बेवकूफ बनाते बनाते तुम खुद भी बेवकूफ हो गई हो। दरवाजे पे कोई नहीं है तो
बेल किसने बजाए? माया, तुम बीना, तुम दिल्ली कब आई? आज ही आई हूँ मैं लखनऊ से। मैंने सोचा कि तुझे डरा के सरप्राइज दूंगी, लेकिन तूने मेरा पूरा प्लान फेल कर दिया। अब माया को डराना इतना आसान थोड़ी ना। चल बैठते बातें करते। रीना, तुमने शादी करी और तुमने बताया भी नहीं। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, किसी को बताने का कुछ मौका ही नहीं मिला। वैसे है कहाँ तुम्हारे पतिदेव? नितिन के साथ ही तो आई हूँ मैं। बाहर गाड़ी पार्क कर रहा है, बस आता ही होगा। आता होगा नहीं, आ चुका है। हाय नितिन, ये मेरी बचपन की प्यारी दोस्त है माया, जो कि दिल्ली की जानी पहचानी एस्ट्रोलॉजर भी है। अजय कहाँ है? अजय क्लिनिक गए, रात तक आ जाएंगे। पर तुम बताओ कि तुम लोग यहाँ दिल्ली में क्या कर रहे हो? सच बताओ ना, मैं तुझसे मिलने ही आई हूँ। पिछले काफी महीनों से कुछ ठीक नहीं चल रहा। नितिन का पिछले महीने लाखों का नुकसान हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ग्रह ही अच्छे नहीं चल। सोचा कि तुझे इनका हाथ दिखा दूं, ताकि नितिन का हाथ देखकर तुम मुझे बता सको कि क्या दोष है, ताकि हमारे शादीशुदा जिंदगी में फिर से खुशहाली आ जाए। अब तुम लोग यहाँ आ गए हो ना, तो सब ठीक हो ही जाएगा। हेलो माँ, मैंने नितिन का हाथ देख लिया है, उनकी कुंडली में कुछ दोष है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, दोष दूर हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। सच्ची? मुझे पता था माया कि तू सब कुछ ठीक कर देगी। थैंक यू सो मच। माया जी, हम निकलते हैं। रात होने वाली है और हमें अभी होटल भी बुक करना है। चल माया। थैंक यू। थैंक यू, मिलते हैं। रुको, तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम लोग होटल में नहीं बल्कि यहीं रुकोगे। नितिन की कुंडली में जो दोष है उसे ठीक करने के लिए नितिन को 24 घंटे मेरे आसपास रहना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। नितिन, जब तक तुम्हारे दोष नहीं हट जाते हम यहीं रुकेंगे। देखा नितिन, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारा हाथ देखकर उसने सब कुछ बता दिया। अब देखना, धीरे धीरे तुम्हारे कुंडली से वो सारे दोष हटा दी और फिर सब ठीक हो जाएगा। देखो रीना, तुम अच्छे से जानते हो मुझे ग्रह और कुंडली की जैसी चीजों में ना विश्वास नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पर आया था और तुमने मेरे से पूछा भी नहीं यहाँ पर रुकने के लिए, और हाँ कर दिया। कम से कम मेरे से एक बार बात तो कर ली होते। So sorry, Nitin. It's okay, baby. जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। कितने अच्छे हो, मेरी सारी गलती हमेशा माफ कर देते हो। लेकिन माफी के बदले मुझे कुछ चाहिए। क्या? तुम्हारा प्यार। Thank you.
आएगा असली मजा। ये अच्छा हुआ कि तुम दोनों यहीं रुके, इसी बहाने तुम लोगों से मुलाकात भी हो गई। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम दोनों ये माया के जादू टोने के झांसे में कैसे आ गए। सच बताऊं तो ये ज्योतिष विद्या, जादू टोना, कुंडली दोष ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब बकवास है। वरना तुम खुद ही सोचो, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। बस अजय, बहुत हो गया। अब तुमने मेरे काम को बकवास कहा ना, तो देख लेना। ये क्या बदतमीजी है, पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ ना? तुम पागल हो। आप लोग लड़ना बंद कीजिए प्लीज। अरे अजय जी, कहाँ जा रहे इतनी रात को? अरे जाने दो उसे, वो हर बार ऐसा ही करता है। जब भी हमारा झगड़ा होता तो वो दो चार दिन के लिए घर से गायब हो जाता। जाने दीजिए उसे। माया, तुम दोनों के बीच में सब ठीक तो है ना? नहीं, हम दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं। इनफैक्ट हमारा जो ये शादी का रिश्ता है ना, वो सिर्फ नाम का है। हम दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कुछ है ही नहीं। टेंशन मत ले, सब ठीक हो। तुझे पता है, तू ना बहुत लकी है जो तुम्हें नितिन जैसा इतना प्यार करने वाला पति मिला। लेकिन देखना, मेरी जिंदगी में मुझे कोई प्यार करने वाला है ही नहीं। और पता है, जो चीज मुझे नहीं मिलती है ना, मैं उसे छीन लेती। अब रात काफी हो गई है, तुम दोनों जाकर सो जाओ। ठीक है माया जी। बाय। वरना रीना की मुंह खुल जाएगी। तुम्हारी कुंडली में जो दोष है उसका उपाय मैंने निकाल लिया है, लेकिन उसके उपाय के लिए हमें आज से ही काम शुरू करना होगा। तुम चलो मेरे साथ। हाँ, रीना को सोने दो। बैठो। घबराओ मत नितिन, तुम्हारी कुंडली में जो दोष है उसे खत्म करने के लिए और तुम्हारी किस्मत को चमकाने के लिए हमें ये सब करना ही पड़ेगा। बस जैसा जैसा मैं कहती जाऊं वैसा वैसा करते जाओ। ये तस्वीर किसकी? मेरे इकलौते देवर राहुल की तस्वीर। कुछ महीने पहले उसने सुसाइड कर लिया। इट्स ओके। लेकिन बस अब और कोई सवाल नहीं। इसे धीरे धीरे देखते जाओ। अब लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेते रहो।
अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लो। अपने अंदर की सारी शक्तियों को पहचानो नितिन। धीरे से आराम से लेट जाओ। नितिन, नितिन, नहीं रात को कहाँ चला गया? नितिन, 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 कहाँ गया वो? माया, तुम सब ये क्या कर रही थी? तुम जैसे सोच रहे वैसे बिल्कुल भी नहीं। सुनो नितिन, नितिन मेरी बात तो सुनो। तुम पहले शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। क्या बताएंगे आप? जो मैंने अभी अपनी आंखों से देखा, आप मेरे साथ क्या करने वाली थी? क्या हुआ नितिन? माया तुम्हारे साथ क्या कर रही थी? अच्छा हुआ रीना तुम आ गई। वो क्या है ना कि नितिन की कुंडली में जो दोष है उसका उपाय मैंने खोज निकाला है। उसके लिए एक हफ्ते तक नितिन को हर रात मेरे साथ ध्यान लगाना होगा। जब मैंने नितिन को ये सब करने के लिए बोला तो वो मुझ पे ही गुस्सा हो गया। नितिन, ये कोई बात हुई तो एक हफ्ते तक माया जो कहे तुम्हें वैसे ही करना होगा, और अगर नहीं किया तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तुम्हें कैसे बताऊँ कि माया मेरे साथ यहाँ क्या कर रही थी? अभी रात काफ़ी हो गई है, तुम लोग जाकर सो जाओ। और नितिन, हम कल रात फिर मिलते हैं। कल रात जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मेरी कुंडली दोष दूर करने के नाम पर माया मुझे और रीना को धोखा दे रही है। अगर ये बातें रीना को पता चल गई ना, उसे बहुत दुख पहुंचेगा। और मैं नहीं चाहता कि रीना को दुख पहुंचे, लेकिन मैं चुप भी तो नहीं बैठ सकता। मैं आज ही रीना को लेकर निकल जाऊंगा। अच्छा रीना, तुम आ गए, मैं तुम्हारे पास ही जाने वाला। तुम यहाँ? रीना को मैंने किसी काम से बाहर भेजा, तो यहाँ तुम्हारे और मेरे सिवाय और कोई नहीं। वैसे रीना बता रही थी कि तुम बहुत अच्छी मसाज करते हो, और आजकल ना मेरे बदन में भी बहुत दर्द रहता है, तो आज रात को अपने प्यारे हाथों से मेरा सारा दर्द मिटा देना। रे क्या अनाथ खिलाफ बक रही हो तुम? शादीशुदा औरत होने के बाद भी तुम ये घटिया बातें करती हो। मैं आज ही रीना को लेके यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, और यहाँ से जाने की अगर बात भी की ना तो क्या कर लोगी तुम? क्या कर लोगी? क्या कर सकते हो? देखो धीरे से आराम से लेट जाओ। लंबी सांसें लेते रहो।
अगर तुमने यहाँ से जाने की सोची तक तो ये वीडियो मैं रीना को भेज दूंगी और उससे कहूंगी कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो। बेचारी, उसके दिल पर क्या बीतेगी। एक काम करती हूँ, मैं ये वीडियो भेज देती हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर तुम नहीं चाहते ना कि मैं ये वीडियो रीना को भेजूं, तो जैसा जैसा मैं तुम्हें कह रही हूँ बस वैसा वैसा करते जाओ। चाहिए? नहीं। तुम्हें? नहीं, बस मेरा हो गया। नितिन, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? रीना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। वो माया, पता है शाम के समय लोभान से धुआं देने से ना सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और वैसे भी ये सब तो मैं तुम दोनों के लिए ही कर रही हूँ ना। थैंक यू माया, थैंक यू सो मच। अरे ये बार बार थैंक यू बोलना ना बंद करो। और हाँ, अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ चलो, मुझे कुछ काम है। हाँ हाँ, एकदम फ्री, चले। चलो मैं आती हूँ। माया के ऊपर रीना का बहुत विश्वास है। समझ नहीं आ रहा साला ये विश्वास तोड़ू कैसे, कैसे माया की सच्चाई रीना की आंखों के सामने लाऊं। ऑफिस के लिए मैं आपको 3 लाख रुपए ऑलरेडी दे चुकी हूँ और बाकी के 10 लाख रुपए आपको कल तक मिल जाएंगे। मेरे अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से मैं पैसे अभी ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, लेकिन तब तक आप ऑफिस के सारे पेपर्स रेडी रखिए, मुझे जल्द से जल्द ऑफिस में काम करना शुरू करना। आपसे बाद में बात कर दूं। अजय, मेरे बैंक में से पैसे ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहे? हाँ, पैसे इसलिए ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं क्योंकि मैंने तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया है ताकि तुम मेरी मेहनत की कमाई को अपने इन घटिया कामों में ना उड़ाओ। तुमने मेरा अकाउंट ब्लॉक किया, मेरा दिमाग नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा। मेरा अकाउंट अनब्लॉक कर दो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी और फिर तुम्हारी मौत के बाद मुझे इंश्योरेंस के 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, उससे मैं ऐश करूंगी। पति के मर जाने के बाद इंश्योरेंस के पैसों पर पत्नी का ही तो हक होता है ना, है ना? ये जादू टोना कर करके तुम पागल हो गई हो, पागल। आधा घंटा है तुम्हारे पास। बहुत देर कर दी आने, घबराने की कोई जरूरत नहीं है नितिन। देखो मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ ना, तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ।
जब हम दोनों के शरीर मिलेंगे ना, तो तुम्हारी शक्तियों को भी बल मिलेगा। इससे तुम्हारी कुंडली में जो भी दोष है ना, सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं जैसा कहती हूँ वैसा करते जाओ। प्लीज मैम, ऐसा कुछ भी मत करो। जैसा मैं बोलती हूँ बस तुम वैसा वैसा करते जाओ, समझे? नितिन, तुम्हें पता है आज माया तुम्हारी इतनी तारीफ कर रही थी, वो बोल रही थी कि जैसे जैसे उसने कहा तुमने वैसे ही किया, और वो जो भी कर रही है हमारे लिए कर रही है ना। और उसने ये भी कहा है कि देखना तुम्हारा भाग्य ऐसे चमकेगा ना, बहुत जल्द तुम अच्छे खासे पैसे कमाने लगोगे। अरे पागल हो गया तू? मैं देखती नहीं मैं कितना परेशान हूँ, तुम्हें सिर्फ माया माया माया। मैंने इस माया के चक्कर में रीना का दिल दुखा दिया। रीना, रीना मुझे माफ कर दो, मैंने पता नहीं तुम्हें गुस्से में क्या क्या बोल दिया। सच बताऊं तो मैं बहुत परेशान हूं। माया अच्छी औरत नहीं है, माया हर रात कुंडली दोष के नाम पे मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाती है। कई बार हिम्मत करी तुमसे बताने की लेकिन बता नहीं सका। माया मुझे ब्लैकमेल कर रही है। रीना हम लोग यहां से निकल जाते हैं। रीना कुछ तो बोलो। सॉरी डार्लिंग, इस बार भी तुम अपनी कोई भी बात अपनी पत्नी रीना को बताने से चूक गए। माया मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं तुम्हारी सारी असलियत रीना को जाके बताऊंगा। अगर तुमने ऐसी कोई गलती करी ना तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो मैंने मेरे देवर का किया। क्या किया तुम लोग ने देवर के साथ? राहुल रिश्ते में तो मेरा देवर था लेकिन उसके साथ मेरा संबंध वही था जो तुम्हारे साथ, लेकिन उसने भी मुझे छोड़ने की ठान ली, जिद करने लगा। मैंने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना, तो इस बंदूक की गोली से मैंने उसका सर खोल दिया। और लोगों को पता है क्या लगा? लोगों को लगा कि बेचारा अपनी जिंदगी से तंग आकर कि मेरे इकलौते देवर राहुल की तस्वीर, कुछ महीने पहले उसने सुसाइड कर लिया। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। इनफैक्ट मैं इस बंदूक की सारी गोलियां तुम्हारी पत्नी रीना के सीने में उतार दूंगी, पर बेचारी बेमौत मारी जाएगी। तो इसलिए अगर तुम ऐसा नहीं चाहते कि कुछ हो तो मेरी बात मानो। भलाई इसी में है कि तुम अपनी जबान पे ताला लगा कर रखो, समझे? और यहां से जाने का ये जो ख्याल है ना, अपने दिल और दिमाग दोनों से निकाल दो, वरना मेरा ये हाथ कभी भी चल सकता है। तुम तो अभी से डर गए, मैं ये गोलियां अभी थोड़ी दागने वाली हूं रीना के सीने में। आधे घंटे में मुझे मेरे कमरे में मिलो, समझे? वरना समझ गए ना, है ना?
क्या कर रहे हो तुम? रीना देख लेगी। मैंने रीना को ऐसा काम करने लगाया ना कि वो घंटों तक फ्री नहीं हुई तो कोई नहीं देखेगा। और अकेले ना आने क्यों चले गए? मुझे बोल दिया होता मैं मेरा बाथटब रेडी करवा देती। हम दोनों साथ साथ नहाते। खैर कोई बात नहीं। वो मैं सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने मेरी आंखों से देखा है तुम दोनों क्या कर रहे थे यहाँ पे। मैं तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ पे लेके आई थी और तुमने मुझे धोखा दिया। नितिन बहुत गलत किया तुम। रीना 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 रुको रीना प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुमने जो देखा अपनी आंखों से वो सच नहीं था। तुम्हें लग रहा है कि तुम सही हो? चलो मेरे साथ चलो नितिन। रुको तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ पर नितिन वो कहीं नहीं जाएगा। नितिन मेरा पति है। तुम दोनों के बीच जो भी हुआ इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पति मेरा साथ छोड़ देगा। मुझे पूरा विश्वास है मेरे पति पर। नितिन चलो। इस बंदूक की सारी गोलियां तुम्हारी पत्नी रीना के सीने में उतार दूंगी। चलो रीना तुम जाओ मैं नहीं आऊंगा। कहाँ जाने की तैयारी हो रही मेरी जान? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज बड़े बदले बदले लग रहे हो। तबीयत तो मेरी एकदम दुरुस्त है। वो क्या है ना कि काफी दिनों से तुम्हें कोई सरप्राइज नहीं दिया था इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल सरप्राइज लेकर आया हूँ। मजाक नहीं सच है। पहले मुझे लगता था कि तुम एक गुस्सैल औरत हो लेकिन फिर मुझे पता चला कि तुम एक धोखेबाज औरत भी हो।
अपने क्लाइंट्स की कुंडलियों से दोष दूर करने के नाम पर तुम उनके साथ रंगरलियां मनाती हो। तुम्हारी जैसी औरत की मेरे इस घर में कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप इन डिवोर्स पेपर पर साइन करो और निकल जाओ मेरी जिंदगी से। इतनी आसानी से नहीं। ये डिवोर्स पेपर मैं इतनी आसानी से साइन नहीं करूं। तुम्हारी सारी जायदाद जब तक ये अपने नाम नहीं कर लेती ना, तब तक मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली, समझे? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, चाहती क्या हो तुम? चुपचाप अपना सामान बांधो और निकल जाओ मेरे घर से। इस घर से मैं नहीं, तुम जाओगे, और वो भी बहुत जल्द। माया, तुमने मुझे थप्पड़ मार कर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हें इस थप्पड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। हेलो, तुमसे जरूरी बात करनी। मुझे नहीं जाना, मेरा मूड नहीं करता। आज मुझे अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है और तुम मेरे साथ चलने से मना कर रहे हो। चुपचाप कौड़ी में बैठो। माया एक एस्ट्रोलॉजर थी और मेरी बीवी रीना की एक बचपन की फ्रेंड थी। हम लोग यहीं पिछले हफ्ते आए थे, लेकिन आज माया मुझे ना अपनी एक अवार्ड सेरेमनी में लेकर जा रही थी, तभी एक बाइक से आए शूटर ने उस पर गोलियां चला दी और भाग गए। देखिए अजय जी, हम समझ सकते हैं तो आप पर क्या बीत रही हो, पर ऐसा लगता है वो कातिल माया का कोई दुश्मन था। सच जो भी हो, हम जल्द ही पता लगा लेंगे। अजय जी, माया के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मुझे उसका बहुत दुख है, लेकिन मैं अब अपने घर जा रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे बर्बाद करने चली थी और खुद इस दुनिया से चली गई। इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त यहाँ? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, चलिए। पुलिस स्टेशन? पर क्यों, मैंने क्या किया है? अगर आपने कुछ नहीं किया तो पुलिस स्टेशन चलने के लिए इतना घबरा क्यों रहे हैं? और हमें पता चला है कि आपकी बीवी माया के साथ
आपके अच्छे संबंध नहीं थे, आपने उनका अकाउंट भी ब्लॉक किया और आपने डिवोर्स भी देने वाले थे। हमें शक है कि उनके मर्डर के पीछे आपका ही हाथ है। आपको चलना होगा, हल्दा ले चलो। अरे मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। आप चलिए। अरे मैंने कुछ नहीं किया है। रीना, रीना तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माया चली गई, तुम मेरे पास आ गए? देखो नितिन, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। जाओ यहाँ से। रीना प्लीज, तुम जाओ यहाँ से। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरी मजबूरी थी। माया मेरे साथ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम जाओ यहाँ से। बहुत दुख दिया तुमने मुझे, जाओ यहाँ से तुम। मुझे नहीं कुछ बात करनी। आप इंस्पेक्टर साहब, आप अजय, आप लोग यहाँ? माया के हत्या के जुर्म में हम आपके पति नितिन को गिरफ्तार करने आए हैं। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? वो शूटर हमारे हाथ लग चुका है जिसे तुमने 5 लाख की सुपारी दी थी माया को खत्म करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है इंस्पेक्टर साहब। नितिन के पास इतने पैसे थे ही नहीं, वो सुपारी कहाँ से देगा? ये सच है रीना, मैंने ही माया को मारने के लिए उस शूटर को 5 लाख की सुपारी दी। वो 5 लाख रुपए मैंने माया से किसी काम के लिए झूठ बोलकर लिए थे और उन्हीं 5 लाख रुपए से मैंने माया को मरवाया। ये रहे तुम्हारे 5 लाख रुपए। थैंक यू सो मच माया, नेक्स्ट वीक तक दे दूंगा। तुम मुझे इतना खुश रखते हो तो ये 5 लाख रुपए क्या चीज है? और ये पैसे ना, ये तो मैं वापस लेकर रहूंगा, वो भी सूद समेत। और तुम्हें पता है ना कैसे? तुमने इतना बड़ा अपराध किया है क्यों? क्यों किया नितिन तुमने ऐसा, क्यों किया? क्योंकि माया मुझे ब्लैकमेल करती थी। मेरे कुंडली दोष के नाम पर वो हर रात मेरे साथ संबंध बनाती थी। माइंडली डिस्टर्ब हो चुका था, जब भी उसके चुंगल से बचने की सोचता तभी वो मुझे ब्लैकमेल करती, धमकी देती। मैं इस बंदूक की सारी गोलियां तुम्हारी पत्नी रीना के सीने में उतार दूंगी। तो इसलिए अगर तुम ऐसा नहीं चाहते कि कुछ हो तो मेरी बात मानो। बहुत पागल औरत थी, उसने हवस अपनी हवस के चक्कर को पूरा करने के लिए अपने देवर तक का भी मर्डर किया। क्या? क्या? दोस्ती के नाम पे वो मुझे धोखा देती रही नितिन, और मैं तुम्हें गलत समझती रही। अगर मैं तुम्हारी बात पहले ही मान जाती तो आज ऐसा नहीं होता।
बहुत धोखा दिया है उसने। आज ऐसा दिन नहीं देखना होता हमें। नितिन मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी नितिन। हवलदार अरेस्ट करो, चलिए। नहीं, 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 रीना संभालो अपने आप को।